अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इशित किचन में आपका बहुत ही बेहद वेलकम है। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन करी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी मटन करी बनाना। तो फ्रेंड्स, मैंने मटन करी बनाने के लिए यहाँ पर ले लिए हैं 2 टमाटर, जिनको मैंने ऐसे 4-4 पीसेज में कट कर लिए हैं। मेरे 2 मीडियम साइज के टमाटर थे। अब इसी में हम ऐड कर देंगे अपना ये 10 ग्राम अदरक। देखिए, मैंने इनको रफली चॉप किया है क्योंकि हमें इसे पीसना ही है। और ये 10 ग्राम लहसुन ले लेंगे इसमें, लहसुन की कलियां। और ये मेरा 10 ग्राम लहसुन हो गया है। और फिर मेरा मटन 1/4 किलो है, इसलिए मसाला माशाल्लाह हम अच्छे से लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये 5 अक्खी लाल मिर्च, और इसके साथ साथ हम इसमें ऐड कर देंगे ये 3 कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा हमारे सालन में। इसमें हम ऐड कर देंगे ये जावित्री का टुकड़ा, ये एकदम ज़रा सा जायफल 1 चुटकी, 5 छोटी इलायची, ये थोड़ी सी दालचीनी, और ये 20 से 25 काली मिर्ची, 1 टेबलस्पून ज़ीरा। और ये देखिए, मैंने ये 2 बड़ी इलायची ली है, पर मैं पूरी अक्खी ऐसे नहीं ऐड करूँगी इसमें, ये सिर्फ अंदर का जो इसके बीज होते हैं वो ऐड करूँगी, क्योंकि अगर हम ये पूरे ऐड करेंगे फिर जब हम पीसेंगे ना, तो जिसके रेशे रेशे दिखते हैं सालन में वो अच्छे नहीं लगते हैं, इसीलिए मैं ये ऊपर के छिलके उतार दूँगी और अंदर के बीज ले लूँगी। इसके 2 बड़ी इलायची का हम ऐसे ही अंदर के बीज ले लेंगे, और ये जो ऊपर के छिलके हैं वो हम फेंकेंगे नहीं, वो रख देंगे हम बाद में बगार बगार के यूज़ के लिए। और चलिए, अब हम इसमें ऐड करते हैं ये अक्खी धनिया है 1 टेबलस्पून के करीब। और चलिए, अब हम इसको पीस लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, रेडी हो चुका है हमारा मसाला। चलिए, हम अपना मटन बघाड़ते हैं। और चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम करते हैं अपनी गैस ऑन, बिस्मिल्लाह। और गैस पर रख देते हैं अपना कुकर। और चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें ऐड करते हैं तेल। मैं यहाँ पर 150 ग्राम तेल ऐड करूँगी, बिस्मिल्लाह। और अब हम अपना तेल गरम होने देंगे। और जब तक तेल गरम हो रहा है, आप यहाँ पर देख लीजिए कि मैं इसमें गरम मसाले क्या क्या ऐड करूँगी। तो देखिए, मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी दालचीनी, 1 चक्रफूल, 5 लौंग, 4 छोटी इलायची, 10 काली मिर्ची, 3 तेज़पत्ते। और फ्रेंड्स, गरम मसालों के बाद हम इसमें ऐड करेंगे, देखिए, प्याज, जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया। ये मेरे 1 मीडियम साइज़ की प्याज थी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे हमारे ये गरम मसाले, बिस्मिल्लाह। और बस 10 से 20 सेकंड के लिए हम अपने गरम मसाले रोस्ट होने देंगे तेल में, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी प्याज। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें शामिल करते हैं अपनी ये प्याज, बिस्मिल्लाह। और प्याज को हम अपनी गोल्डन ब्राउन होने देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अपना मटन। और फ्रेंड्स, मेरा मटन 1/4 किलो है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी प्याज खूब अच्छे से हो चुकी है, कैसा गोल्डन कलर आ चुका है इसके ऊपर। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपना ये मटन, बिस्मिल्लाह। और चलिए फ्रेंड्स, अब हम तेल में अच्छे से अपने गोश्त को भून लेते हैं। खूब अच्छा भूनेंगे हम इसको, इसमें बिल्कुल डिफाइन ना रहे। इसको हम इतना भूनेंगे जब तक इसका कलर नहीं चेंज होता है, तब तक भूनेंगे हम इसको। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा गोश्त माशाल्लाह खूब अच्छा भुन चुका है, देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये नमक। मैंने 1 टेबलस्पून नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए। 1/2 टीस्पून हल्दी। चलिए फ्रेंड्स, इसको भी हम खूब अच्छे से भून लेते हैं 2 मिनट के लिए। ये देखिए, मैंने इसको हल्दी और नमक के साथ भी खूब अच्छे से 2 मिनट के लिए भून लिया है। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू अभी से आने लगी है इसमें से। और चलिए, अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ये जो मसाला हमने पीसा था अभी, वो हम इसमें ऐड कर देंगे, बिस्मिल्लाह। फ्रेंड्स, अच्छे से पूरा मसाला ले लीजिए। चलिए, इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं, इसमें मसाले को अच्छे से गोश्त में मिला देते हैं।
चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ कप पानी। लीजिएगा, और चलिए फ्रेंड्स, जैसे इसमें बॉईल आता है हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसमें 3 सीटियाँ ले लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें बॉईल आ चुका है। अब हम अपने कुकर का ढक्कन लगा देंगे, बिस्मिल्लाह, और इसमें ले लेंगे 3 सीटी। तो चलिए मिलते हैं 3 सीटी बाद। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें 4 सीटियाँ आ चुकी हैं। अब हम कर देंगे अपनी गैस की फ्लेम ऑफ और इसका प्रेशर रिलीज होने देंगे। चलिए फ्रेंड्स, इसका प्रेशर रिलीज हो चुका है, हम इसको खोल के चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह, ये देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है हमारा ये मटन करी। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो चलिए हम जल्दी से अपनी गैस ऑन करते हैं, इसको भून लेते हैं फटाफट। बिस्मिल्लाह, खूब अच्छा हम इसको भून लेंगे, इसका तीरा खूब अच्छे से ऊपर आ जाए, हमारा मसाला खूब दानेदार हो जाए। खूब अच्छे से हम इसको भून लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, माशाल्लाह कितना अच्छा हमारा गोश्त भून चुका है, कैसा दानेदार हो गया है हमारा मसाला। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे खाने की जान, थोड़ा सा हरा धनिया। इसको दो हाथ और चलाएंगे खूब अच्छे से। चलिए अब हम इसमें ऐड करते हैं पानी। मैं यहाँ पर 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, ये आप पे डिपेंड करता है, आपको जैसी अपनी करी की कंसिस्टेंसी चाहिए आप उतना पानी ऐड करें। मुझे एकदम परफेक्ट चाहिए, ना ज़्यादा थिक ना ज़्यादा एकदम लिक्विडी। ये देखिए, बस मैं अपनी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी यही रखूँगी। और देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है हमारा मटन करी। तो चलिए अब हम इसको 2 मिनट पकने देते हैं और फिर करते हैं गर्मा गर्म इसकी प्लेटिंग। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छे से पक चुका है। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे, बिस्मिल्लाह, और इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, रेडी है माशाल्लाह हमारी टेस्टी सी मटन करी। इसे आप भी जरूर बनाइए, ट्राई करिए, अपनी प्यारी फैमिली को खिलाइए, मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स करिए। अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। और फ्रेंड्स, प्लीज बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरे रेसिपी की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए जैसे मैं अपलोड करूँ। अल्लाह हाफिज़।